वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मेरा सवाल था ब्रेक से पहले कि आपने जो है किसको फ़ोन करना है, तो ख्वाजा साहब ने कहा कि मैंने आसिफ अली जरदारी को, वैसे तो मिस्ड कॉल सबको देनी है लेकिन अगर उनकी कॉल बैक आ जाती है मैं आसिफ अली जरदारी साहब को ज़्यादा मतलब उनसे मैं बात करूँगा। अब मैं दूसरे सवाल की तरफ आती हूँ। आपने 7 समंदर पार करना है और 7 में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपका जो पहला आंसर था आसिफ अली जरदारी, इसी तरह से दूसरा मेरा सवाल है कि 7 समंदर पार करने के लिए आप किन लोगों को जो है अपने साथ लेकर जाना, किन को किसी एक को अपने साथ लेकर जाना पसंद करेंगे, महविश हयात, सबा कमर या फिर माहिरा खान को? मेरे ख्याल में महविश हयात बेहतर है। अच्छा, मैं इनका फैमिली लॉयर भी हूं महविश हयात का, और ये हमारे दफ्तर में ही हमारे सामने ही बड़ी हुई है। मैं इनकी वालदा का, इनकी फैमिली का मैं लॉयर रहा हूँ बहुत अरसा, और इसलिए मैं महविश हयात को मैं प्रेफर करूंगा। सही। तो माहिरा खान और सबा कमर क्यों नहीं? अच्छे, माहिरा खान हमारे बच्चों के साथ पढ़ती रही है। हाँ जी, तो वो भी अच्छी है, लेकिन मैं भी तो बिल्कुल, मैं इनका फैमिली लॉयर रहा हूँ। बल्कि अभी रिसेंटली इसको तमगा मिलने से पहले भी, एक हफ्ता पहले भी ये था इनका मैटर। एक सही चले ज़बरदस्त। अच्छा, आपको खाने पर जाना है तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, आमिर लियाकत, यूसुफ रजा गिलानी या फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ? जी, खाना आराम हो जाएगा तीनों के साथ। अच्छा, नहीं बताए ना। अगर नहाने के लिए जाना होता तो मैं बताता, खाना तो तीनों के साथ ही मजा हो जाएगा। सही। तो मतलब किसके साथ जाएंगे आप फिर? आमिर लियाकत से दोस्ती है हमारी। अच्छा, आमिर। अच्छा, दोस्ती जिसके साथ उसके साथ जाना पसंद है। अच्छा, दो क्यों नहीं, वो जो दो आमिर, यूसुफ रजा गिलानी और शहबाज शरीफ? नहीं नहीं, इससे बातें करने का मजा आएगा ना। अच्छा, हाँ, वो मजेदार वैसे भी बातें करते हैं। ये खाओ जबरदस्त। चले ख्वाजा साहब, मैं आपको जो आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आपने अपना टाइम दिया, और नाजरीन को मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला सेगमेंट मजे का लगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने जिक्र किया, हम एक नए सेगमेंट के साथ, नए गेस्ट के साथ हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाफिज-उद-दीन, पीएसपी से इनका ताल्लुक़ है, और साथ ही हमें ज्वाइन किया है फहाद शफीक, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। सर, मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए। हाफिज साहब, पहले मैं आपसे सवाल करूँगी। जिस तरह से आपका पता है कि आपने पीपल्स पार्टी में आप थे, नहीं PTI, सॉरी PTI के में आप थे MPA, और आपने वो छोड़ के PSP ज्वाइन कर ली, तो ये PTI छोड़ने की वजह क्या थी? देखिए, वजह तो ये थी कि मैं समझता था कि मैं वहाँ पर जो मैं मुंतखब हुआ था उनके टिकट के ऊपर, मैं वो तमाम जो मुझ पर मैं समझता हूँ मेरे हलके के लोगों की जिम्मेदारियाँ थी, वो मैं एक तो पूरी नहीं कर सक रहा था, उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा था। फिर दूसरी बात ये थी कि पार्टी इटसेल्फ, मैं समझता हूँ जो आज हालात नज़र आ रहे हैं, वो जिस कर्ब से गुज़र रही है, और जो मेरी नज़र के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से एक्सपोज हुई है इस 3 साल में इख्तदार में, वो हम सब के सामने है। उसके एक्सपोज होने की वजूहात ही मुझे वक्त से पहले शायद नज़र आ गई थी, इस वजह से मैंने उनका साथ छोड़ा। सही। लेकिन जैसा सबने एक कर्ब है, लेकिन कर्ब तो नहीं, वो था आज खुशियाँ मना रहे हैं। कौन खुशियाँ? खान साहब खुशियाँ मना रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये एतमाद का वोट जो है, चलिए इन्होंने ले लिया, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली ये सही है, लेकिन हाई मॉरल ग्राउंड्स पे अगर आप इसको देखेंगी तो वो 16 अरकान जिनके बारे में वो गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने उनको टिकट दिया, वो उनको एतमाद भी दे रहे हैं। अगर सेक्शन 63 और आर्टिकल 63 की तलवार इन पर नहीं लटक रही होती तो क्या ये लोग इनको एतमाद का वोट देते? नहीं देते। 16 अरकान ने इनके साथ गद्दारी की है। इसी तरीके से सिंध में गद्दारी हुई है 6-7 अरकान की। ये सब एक्सपोज हो गए हैं लोग, मेरी नज़र में तो एक्सपोज हुई है PTI, और PTI इटसेल्फ इनकी गवर्नमेंट कमज़ोर हुई है, ओवरऑल पार्टी भी कमज़ोर हुई है और गवर्नमेंट भी कमज़ोर हुई है। ठीक है सर, सेनेट इंतखाबात में मुस्तफा कमाल जो है कहाँ खड़े रहे, क्योंकि आगाज़ में जो है जैसे कि आपको पता है आपकी जमाती PDM का हिस्सा बनी रही? देखिए नहीं, हमारी जमात मुस्तफ़ा कमाल कभी पीडीएम के साथ नहीं रहे। अच्छा। हाँ बिल्कुल नहीं रहे। उन्होंने कभी पीडीएम ज्वाइन नहीं की, पीडीएम हमारे बगैर ही बनी और पीडीएम अलग, हम हमारा पीडीएम से बुनियादी इख्तलाफ है। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठी हुई है जो इस शहर और इस सूबे और मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए, सही इस मुल्क के लिए उनकी कारगुजारी हम सबके सामने है। 2008 से ख़ास तौर पे जब से जरदारी साहब हुकूमत में आए हैं या पार्टी के चेयरमैन बने, उसके बाद से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो पीटीआई की पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस कोई पीटीआई की परफॉर्मेंस से मुख्तलिफ नहीं है। और उन्होंने जिस तरीके से ये पूरे अदवार गुजारे हैं और इनका कोलाबोरेशन विद मुस्लिम लीग, वो मुस्लिम लीग को भी ख़राब करता है, मुस्लिम लीग की बुनियादों को भी हिलाता है। और मैं समझता हूँ आज जो कुछ वो उनको अगर कोई पजीराई भी मिल रही है पीडीएम को, तो उसकी वजूहत ये हैं कि पीटीआई की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि ये कोई उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं। ये मैं समझता हूँ पीडीएम और पीटीआई एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अच्छा, बिल्कुल सही। फहद, मैं आपसे सवाल करूँगी, बिलाखिर जैसे आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है उनको वोट लेने में कामयाब हो चुके हैं अदम एतमाद का, तो इससे जो है नून लीग को क्या नुकसान पहुँच सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जैसे आपने बोला कि वोट लेने में कामयाब हो चुके हैं, तो मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ और मैं अपने हामियों को बोलूँ मुझे वोट डाल दो तो वो लाजमी डालेंगे। सही। और जब सामने सामने डालना होगा तो वो तो 100% डालेंगे वोट, ताकि पता ना लग जाए कि 16 उनमें से 16 कौन थे जो बिक गए थे या जिन्होंने वोट नहीं डाला था। नंबर 1। नंबर 2 कि आपने देखा कि 16 अरकान ने इनको वोट नहीं दिया सेनेट में। अब वो कौन लोग हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये तो बड़ा बोलते थे कि मैं पार्टी से निकाल दूंगा, मैं तहकीकात करूंगा, मैंने पहले भी MPs निकाले हैं। इन्होंने कल क्या बयान जारी किया कि जिसने वोट नहीं दिया वो पार्टी की रुकनीत से खारिज हो जाएगा। सही। और अगर हमें पूरे वोट पड़ गए तो किसी पे तहकीकात नहीं की जाएगी। ओके। ये तो अलमिया आ गया इस गवर्नमेंट का। और मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री में प्रेशराइज्ड करके वोट करवाएंगे, प्रेशराइज्ड करके। देखिए ये तो इस वक्त ये ओपन बैलेटिंग थी। सही है। एक तो खुफिया होती है ना, खुफिया में आपको पता लग गया आपका क्या स्टेक है। ओपन बैलेटिंग में कोई भी कर सकता है, आपका चैनल का मालिक खड़ा हो जाए और सबको बोले मुझे वोट दो, वो देंगे। अपोजिशन में तो कोई भी नहीं बैठा हुआ था, तो कहाँ से मामलात होते। अच्छा, दूसरी बात कि आप ये देखें अलमिया कि ये वो वजीर आज़म है जिसको अपने लोगों से एतमाद लेने के लिए असम्बली में जाना पड़ा। हाँ, क्या हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है? आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब 12 मार्च को आप देखें सेनेट के चेयरमैन के लिए अदम एतमाद लेके आ रही है पोजीशन, और उसमें क्या होगा, उसमें भी रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। वो होती है खुफिया बैलेटिंग पे। उसके बाद आप कौमी असम्बली के स्पीकर के अदम एतमाद भी ला सकते हैं, उसमें क्या रिजल्ट आएगा। पंजाब के CM के लिए भी एतमाद लेके आ रहे हैं, उसमें क्या रिजल्ट। ये सारी खुफिया होती हैं। अब ऐसे तो देखें ये तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। ये उन्होंने अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए आवाम के सामने आ गए कि मैं अपने हिमायत के वोट लूँगा और लोगों को बता दूंगा कि मेरे साथ 178 MNS हैं। वो 178 में से 16 कहाँ गए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को बहुत साफ और शफाफ कहते हैं तो 100% होनी चाहिए। और कल के बयानी क्या थे कि अगर मुझे सारे वोट मिल गए तो मैं तहकीकात नहीं करूंगा, तो चोर डाकू तो आपने अपनी सफ़ों में बिठाए। प्रोटेस्ट का भी कहा था हम प्रोटेस्ट करेंगे, और मतलब अभी आप देखें वो कह रहे हैं कि नू मतलब लाहौर के बारे में बात करें, मतलब सिंध की तो कहीं जिक्र होता ही नहीं है। सिंध मतलब एक तरह से देखा जाता है एक लावारिस उन्होंने छोड़ दिया है, कोई मतलब किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं है सिंध के लिए। अब ये माजी में जो ये इमरान खान साहब 160 अरब का पैकेज अनाउंस करके गए थे, उसकी अलहम्दुलिल्लाह हम शायद दूसरी बरसी मना रहे हैं। उसके बाद आए और 1100 अरब रुपए का एक और लॉलीपॉप कराची वालों को देखे गए। उसमें से क्या 1 अरब या 1 करोड़ रुपए भी आए? आपने अपने MNS को 40-40 करोड़ रुपए का फंड दिया, उन्होंने कहाँ लगाया? कोई डेवलपमेंट किया आपने कराची के अंदर? आप इतनी बातें करते हैं ना, और कराची को दावा करने वाली सबसे बड़ी जमात जो कराची का वोट लेके और महाजरों का वोट लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, और आज उसका सौदा कर रहे हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए। आप बोले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करें, आप पैसा दें, आज वो खड़े हो जाते और वो ये बात करते कि आप इसी वक्त अनाउंस करें, हमें लिख के दें इन रिटर्न कि कराची के लिए आप क्या पैकेज दे रहे हैं, हम आपके साथ खड़े में। समझ में आता? आप तो वहाँ सौदा कर रहे हैं महाजरों का और कराची के वोटों का कि हमें डिप्टी चेयरमैन सैनेट दे दें। पहले भी आपने सौदे किए, वजारतें ले ली, आज भी आप खड़े हो गए। खालिद मकबूल, इनके जितने भी MQM के लोग हैं, सब सौदा करके आ गए कराची वालों का। ये सौदा इस रेट पे। डस्का की असल हकीकत क्या है? डस्का की असल हकीकत तो पूरी आवाम के सामने है कि जो गायब हुए लोग वो कहाँ गए, किन्होंने गायब किया। इसका मतलब स्टेट अबव स्टेट मौजूद है जिन्होंने गायब किया, और वो एक साथ गायब हुए और एक साथ आ गए। इस ना इलेक्शन कमीशन हमारा इदारा है, ना इलेक्शन कमीशन PDM की किसी जमात का इदारा है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इदारा है, और पाकिस्तान को लीड कौन कर रहा है? इमरान खान। और उन्होंने क्या रिप्लाई दिया कि इसमें 100% धांधली है, हम इसको कल अदम करार देते हैं। कल इलेक्शन कमीशन ने एक और बयान दिया है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कि वज़ीर आज़म कीचड़ उछाड़ना छोड़ दें इदारों के ऊपर। देखिए, ये हम नहीं दे रहे बयान, ये आपके डिपार्टमेंट्स दे रहे हैं। आपसे कोई भी खुश नहीं है, चाहे वो तलबा हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हो, और सबसे मज़े की बात चाहे वो TV चैनल्स वाले हो, कोई भी कुछ नहीं है। सब ये बात तो सबसे ज्यादा हकीकत है, क्योंकि मीडिया इतनी पाबंदी और मीडिया के पर इतना मतलब डाउनसाइजिंग का शिकार हो चुका है। मीडिया उस तरह से काम करने को, इस तरह के वसाइल रहे नहीं। माजरत के साथ मीडिया यरगमाल हो चुका है, सैलरीज नहीं मिल रही ना। आप मुझे टू बी ऑनेस्ट, हम जनरल बात कर लेते हैं, आप मुझे बताएं क्या आप लोगों को तनख्वाह मिलती रही है कंटिन्यू? इन्होंने आके सवाल, और मैं आपको बताऊं 90% इमरान खान को वजीर आजम बनाने में मीडिया का हाथ है। 90% पूरे इन्होंने 4-5 साल नवाज शरीफ को चोर 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 कह के ये हाल कर दिया, और उसमें सबसे बड़ा हाथ मीडिया का था। और आपके सामने सिचुएशन 2.5 साल हो गए। आप मुझे बताएं, कोई एक ईंट लगाई है आपने? कोई एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया? कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पाकिस्तान के लिए काम किया है? प्रोजेक्ट की बात है तो देखें आपके टाइम पे भी कौन कौन से नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे। बात यह बताता हूँ, हमारे पास वो क्रूशल टाइम इन्होंने जो हमारे साथ हाल किया, 126 दिन वहाँ बैठ गए। वो क्रूशल टाइम CPEC बहुत तेजी से चल रहा था, इन्होंने उसको स्टॉप करवाया। मेरी बात सुन, उसके बाद मोटरवे कभी नहीं बना था, ठीक है, मोटरवे के बनाया। कराची को अमन नून लीग ने दिया। मैं स्ट्रेट अवे बोलता हूँ कराची वालों को कि कराची को अमन बनना। उससे पहले बहुत सारे वजीर आजम गुजरे थे। सही बात है। मियां नवाज शरीफ ने स्टैंड लिया कि कराची में क्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन चाहिए। आज अलहमदुलिल्लाह कराची में आप आसानी से घूम सकते हैं, हड़ताल नहीं होती। अब उसमें क्या है कि पुलिस रेंजर्स उन्हीं का सहारा लेंगे ना, या वो वहाँ से आके वज़रा यहाँ पे आके अमन दिलाएंगे। तो जो लोगों का इंटरलिंक करती हैं चीज़ें, उस सारी चीज़ों को आप माने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने बोला कि जैसे मीडिया ने जो है वज़ीर आज़म का मतलब मीडिया ने उनको वज़ीर आज़म बनाया। बात यह है कि मीडिया जो गैर सियासी है, मीडिया के पास पावर है, मीडिया के पास क्या पावर है कि जिसको भी चाहे वज़ीर आज़म बना दे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। आप लोगों की भी तो धरने और जलसों को कवर किया है। मुझे कह के बड़ा दुख होता है, और मैं देखता हूँ सिचुएशंस, क्योंकि और भी चैनल्स पर मैं बैठता हूँ, मैं उनकी जब बातें सुनता हूँ ना, तो मुझे दुख होता है कि यार उनके साथ भी उनकी फैमिलीज हैं, आपने क्या उठा के बुरा हाल कर दिया, यरगमाल बना लिया है। जो मीडिया इनके खिलाफ चलाता है उसको पैमरा का नोटिस नहीं आता। नहीं, बात ऐसी भी नहीं है। मीडियाज ने इस वक्त PTI का बायकॉट किया हुआ, आपको ये बात पता है? जी बिल्कुल, मुझे पता है, अंदाजा जाहिर सी बात है। अभी जो बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया था, तो उस हवाले से आपको भी पता है। वॉकआउट कर जाते हैं इनके मिनिस्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वाले, वॉकआउट। किसी से कोई फैसल ऑर्डर से सवाल किया था ना अभी, तो वो कहने लगे आप इलेक्शन लड़ लें। और भाई, आप तनकीद सुनना बर्दाश्त तो करें, आप गवर्नमेंट में आपको जवाब देना होगा। ठीक है हाफिज साहब, मैं चाहूँगी आप, मैं इनकी एक तो तस्दीक करूँ कि जिस तरीके से आज इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, ऐसे ही नवाज शरीफ ने भी लिया था 93 के अंदर, इन द वेरी सेम इसी सेक्शन के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये दूसरी बात मैं इनसे कहूँगा, ये कह रहे हैं कि मैं तो समझता हूँ मुस्लिम लीग का भी व्यू कराची या सिंध की तरफ वही था जो आज PTI का है जी। इसी तरीके से अनाउंसमेंट्स होते थे, कोई प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली कन्वर्ट या कंप्लीट नहीं हुआ। सही कह रहे हैं। सिंध के लिए वो पंजाब में उन्होंने किया होगा, पंजाब में ही काम हुआ है, सिंध को उस तरह से नहीं डिलीवर किया गया जिस तरह से कहा जाता है। डिलीवर तो छोड़िए, इसकी तरफ कोई नजर ही नहीं रखता था। फिर ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे उनका बड़ा मतलब उनकी नज़र थी। मैं आपको बताऊं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर किसी सिक्योरिटी ऑपरेशन के जरिए से अमल दरामद नहीं हो सकता, किसी ऑपरेशन, ये पॉलिटिकल विल से होता है। ये तो मुस्तफ़ा कमाल ने यहाँ पर आकर जिस तरीके से MQM को चैलेंज किया, अल्ताफ हुसैन को चैलेंज किया, उसके बाद उन्होंने लोगों को सियासी रास्ता बताया, वो मेन फैक्टर था। वो पॉलिटिकल एक्शन मेन फैक्टर था जिसके नतीजे के अंदर यहाँ पर मैं समझता हूँ अमन कायम हुआ। उससे पहले कि आप हिस्ट्री उठा लें, आप मीडिया को उठा लें, आप हिस्ट्री को उठा लें, रोज़ाना 25, 20, 25, 23, 18, 15 ये तो लोग मरते थे, लोग अल्लाह माफ़ करें, और उसको गिनते थे कि आज कितने लोगों का मौत हुई है या वो हुए हैं, हादसा हुए हैं, कितने लोग मिसिंग हुआ है, मिसिंग हुए हैं, ये सब कुछ हो रहा था। ये सारी चीज़ों को उसने चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद उसने प्रॉपरली कोशिश की कि यहाँ के लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए। हमने मतलब हर फोरम के ऊपर इस बात को उजागर किया, हमने इंतज़ामिया से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ इंटरेक्शन किया, उनको समझाया कि कराची के ये इश्यूज़ क्या हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने नौजवान को गलत रास्ते पे लगा दिया था। इस सारी चीज़ों को उजागर करने के नतीजे आए और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रॉपर हुई। असल में बात यही है कि हमें पॉलिटिकली इन चीज़ों को देखना होगा। अगर पॉलिटिकली इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जा रहा ना, आज भी मुल्क के अंदर क्या है, सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम का क्यों शिकार है पूरा मुल्क, उसकी वजूहत यही हैं कि इन्होंने अब इनके साथ पीटीआई के साथ जो अच्छे लोग थे वो सब उनको छोड़ के चले गए। आप उठाए ना हामिद खान को, आप उठाए जस्टिस वजीउद्दीन को, आप उठाए ना तस्लीम नूरानी को। आप देखें इनके साथ जो अच्छे लोग थे, जो काबिल लोग थे, मैं एक बहुत लंबी लिस्ट है, आप इस लिस्ट को आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि इनके साथ वो लोग नहीं हैं। आज वो लोग हैं जो परफॉर्म नहीं कर सकते, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं 3 साल में। और मैं समझता हूँ कि ये बात अब बिल्कुल आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई प्रोडक्ट प्रॉपर दे नहीं सकती। सही। और जैसे कि बात ये कह रहे हैं नून लीग ने बहुत काम किया, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। महमूदाबाद चले जाए, महमूदाबाद के हलके में मरवत साहब हैं, इरफान उल्ला मरवत साहब जो हैं आपके, उन्होंने क्या डिलीवर किया वहाँ पे हमारे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊँ, हफीज़ साहब बहुत अच्छे और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं और बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं, इनकी बात नहीं करता मैं, हर पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं। कि जहाँ तक इन्होंने बात की ना कि कराची लॉ एंड ऑर्डर की, तो मियाँ नवाज शरीफ वॉज द प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम, सही है, उन्होंने एक्शन लिया कि मुझे अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन चाहिए। आप कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल, तो मुस्तफ़ा कमाल भी उसी वक्त आया ना जब थोड़ा सा यहाँ पे सेटल डाउन हुई चीज़ें, उससे पहले तो नहीं आया। और मुस्तफ़ा कमाल ने सारी मरातें अल्ताफ़ हुसैन से लेता रहा, मेरा बाप है अल्ताफ़ हुसैन, ये भी मुस्तफ़ा कमाल के बयानात हैं, सही, मौजूद हैं, इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। और उसके बाद जब आपने देखा कि इनका डाउनफॉल शुरू हो गया, आपने आके नई पार्टी लॉन्च कर दी, खैर एक डिफरेंट चैप्टर। और जहाँ तक रही कराची वालों की बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ भी हासिल है कि मुस्तफ़ा कमाल से ज़्यादा वोट मैंने लिए कराची से, जबकि मैं एक नॉर्मल फिगर हूँ। मुस्तफ़ा कमाल एक बहुत बड़ी फिगर हैं, वो सैनेटर भी रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें रहें। तो अब दूसरी बात ये कि मरवत साहब वाली बात, आपको अगर आपकी बात हो तो अब वो नहीं है, बहुत टाइम पहले थे। उसके बाद सईद गनी आ गए थे, बाई इलेक्शन में सईद गनी जीत गए थे महमूदाबाद से, तो उस वक्त डेवलपमेंट। अब जहाँ तक बात रही कि डेवलपमेंट की कराची के अंदर, क्योंकि आपको पता होगा कि माजी में 18वीं तरमीम एक रिस्ट्रिक्शन है जो कि आज पीटीआई वालों को भी वो बीच में पैदा कर रही हैं चीज़ें। अब 18वीं तरमीम के बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू एक इदारा बनाया गया KIDCL, इट्स कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। उसके थ्रू कराची के अंदर काम हुए, चाहे वो ग्रीन लाइन हो, चाहे वो लियारी एक्सप्रेस हो, चाहे वो मोटरवे हो, चाहे वो कोई भी डेवलपमेंट के काम हो। तो हमारी पार्टी ने इन बिटवीन, मैं मानता हूँ एक बात को, देखिए अपनी बात एक्सेप्ट भी करनी चाहिए कि इतना फोकस नहीं था सिंध के अंदर हमारी पार्टी का, इस चीज को मैं 100% एग्री करता हूं। चले आपने माना तो, क्योंकि आपको पता बल्दिया टाउन में जय शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे उनको शिकस्त हुई, लेकिन पलट के पूछा तक नहीं, मतलब सिर्फ वोट की इज्जत है, वोट की इज्जत है। मेरा सवाल ये कि वोट आवाम देगी, पलट के पूछा नहीं, फिर भी उसके बावजूद काम किया। मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, मोटी मोटी नहीं काम किया कोई काम। आप आवाम का हाल तो पूछिए, आप आवाम देखिए, हमने कराची में जो हम कर सकते थे, हमने लियारी एक्सप्रेस का दूसरा जो पार्ट था वो बंद पड़ा हुआ था एक अरसे से, वो बनाया, वो खाकान अब्बासी ने उसका इफ्तिताह किया। मोटरवे कराची हैदराबाद तो बनाया भी हमने ना हमारी गवर्नमेंट में बना ना, या जो बाइडन की गवर्नमेंट में बना, हमारी गवर्नमेंट में बना। वो प्राइम मिनिस्टर वाज नवाज शरीफ दैट टाइम, सही है। ग्रीन लाइन मियाँ साहब ने स्टार्ट करवाया, उसको मैं बताता हूँ, उसकी डिटेल भी बताता हूँ, थोड़ा सा बोलने दें। उसके बाद एक बात सुनिए, मैं एक 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 की बात से चले क्लियर कर दूँ। फिर उसके बावजूद दूसरी चीज़ आप देखें मोटरवे, जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आज कोई अगर मुखालफिन भी मोटरवे पे चढ़ते हैं ना तो वो दुआएं देते हैं। बिल्कुल ये बात है। लेकिन ये सिंध के अंदर नहीं है ना, सिंध में कौन सा सौतेली माँ का आपके साथ सलूक किया था। मैं इस चीज़ को मानता हूँ चीज़ों को, लेकिन सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है, मैं आज फिर कहता हूँ और डंके की चोट पे कहूँगा कि कराची को अमन दिया, उन दहशतगर्दों से जान छुड़ाई कराची की जिन्होंने कराची वालों को यरगमाल बनाया हुआ था, जो भत्ता भी लेते थे और अपने लोगों को ही मारते थे, जो खाले भी लेते थे और अपने लोगों को ही मारते थे, जो फितरे भी लेते। यहाँ पे अलमिया इतना मैं आपको बताऊँ मज़े की बात कि यहाँ कराची में फितरा और ज़कात हिंदुओं क्रिश्चियंस ने भी दिया है, ये तो यहाँ का हाल था। आप निकल नहीं सकते। सिक्योरिटी इदारे किसके मातहत आते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर मैं आपसे खत्म हो गई बात। जी हाफिज साहब, देखिए मैं इनको एक तस्ही करूं कि ये जो ऑपरेशन कराची के अंदर नवाज शरीफ साहब ने किया, ये कह रहे हैं ज़रूर किया है, इससे पहले ये दो ऑपरेशन पहले भी कर चुके थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने भी दो ऑपरेशन किए थे, उनका रिजल्ट क्या था? उनका कोई रिजल्ट नहीं था, उनका कोई रिजल्ट नहीं था। ये रिजल्ट मैं फिर से कहूँगा, मैं बड़े बड़े सदक दिल से ये बात कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई मतलब मिलावट नहीं है। हकीकत आल ये है, जब तक, और ये पॉलिटिकल थ्योरी भी है कि जब तक फोर्स के साथ या ताकत के साथ पॉलिटिकल विल शामिल नहीं होगा, कोई तब्दीली नहीं आ सकती, सही। कोई काम ठीक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर पॉलिटिकल विल के लिए आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि मुस्तफ़ा कमाल ने परफॉर्मेंस की थी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इन्होंने इलेक्शन में मुस्तफ़ा कमाल से ज़्यादा वोट ले लिए। भाई आपकी पार्टी का तो व्यू बड़ा सीधा सा है कि ये इलेक्शन ठीक नहीं है, इन इलेक्शन को मानते नहीं है। आज भी आपकी लीडर खातून वो खड़े होकर ये कह रही हैं कि हम इस इलेक्शन को, इस असेंबली को मानते ही नहीं है और इस प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते। आप उसी इलेक्शन की मिसाल मुस्तफ़ा कमाल पर लगा रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि आदमी अपनी ज़ात के लिए ऐसी मिसालें निकाल लेता है कि मुस्तफ़ा कमाल, वो तो उस इलेक्शन को हम भी नहीं मानते। ईमानदारी की बात यह है कि उस इलेक्शन में जो हुआ हमें पता है, इस कराची के साथ क्या हुआ, इस मुल्क के साथ क्या हुआ, किसको नहीं मालूम है इन सारी बातों का। अगर हमने इस मसले के ऊपर, क्योंकि हम खुद ऐसे पॉलिटिकल प्रोसेस में थे, हमारी पार्टी बनी थी, हम आगे काम कर रहे थे। आज का कराची आप देख लीजिए, आपको पीएसपी वाजे एक बड़ी पार्टी की हैसियत से नज़र आएगी। उसने लोगों को यहाँ मिलाने का काम किया है। यहाँ पे ये पख्तूनों का अभी जो जलसा हुआ, खालिसतन पख्तूनों का जलसा था। आप देखिए, महाजिर, पख्तून, सिंधी, बलोच सबको मिलाकर मुस्तफ़ा कमाल ने लोगों को खड़ा करने की कोशिश की है। इस कोशिश को हम सबको अपने सियासी नज़रियात से हटकर उसको वक्त देनी चाहिए, उसको उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। इसके अलावा कोई हल नहीं है इस मुल्क के अंदर। ये कराची जो है इकोनॉमिक हब है, और इस हब को ठीक करने से पूरा मुल्क ठीक हो सकता है। मुल्क की 70% दौलत यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ से 70% से ऊपर टैक्सेस आते हैं। अराउंड, मतलब अंदाज़ा है कि अराउंड 80% प्रोविंशियल और फेडरल टैक्सेस कराची से आते हैं। आप उठा के देख लीजिए सारे फिगर्स को। तो मैं ये समझता हूँ कि इस शहर के अंदर अमन, मोहब्बत और खुशहाली का दौर दौरा होना चाहिए, और इसके लिए इसके अंदर देखिए उस किसी का माजी आप उठाएं, नवाज शरीफ साहब का माजी ज़ियाउल हक साहब के साथ मुहित है। आप उठाएं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का माजी तो वह अयूब खान के साथ। देखें, ये सब कुछ होता रहा है सियासत के अंदर। इन चीज़ों को हमें हजम करना होगा। ये बोलने से काम नहीं चल सकता कि वो अल्ताफ़ हुसैन के साथ था। भाई, वो अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ जिस तरीके से खड़ा हुआ है, उसको देखने से तो खड़ा हुआ है, वो उसको समझ के तो खड़ा हुआ है, सही। लेकिन ये तो ऐसे ही है, ये तो देखिए, ये तो बड़ी अल्ताफ़ हुसैन का हिस्सा ही बने हुए थे ना। नहीं, मैं तो ऐसे ही है ना। आप बताइए, हजरत मूसा अलैहि सलाम क्या फ़िरौन का हिस्सा नहीं थे? फ़िरौन के घर में पल के बड़े हुए थे। मतलब जब वो खड़े हो गए ना, उसके बाद उन्होंने उनके अगेंस्ट हो गया। उससे पहले क्यों नहीं उनको उनकी चीजें बुरी लगी? जब नजर आई सब चीजें अच्छी नजर आ रही थी। देखिए, जब नजर आई, जब समझी, तो वो खड़े हो गए। देखिए, खड़े होना, असल बात तो ये अमल खड़े होने का है और मतलब एक्सपोज करने का है। जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस काइम खानी ने अल्ताफ़ हुसैन को एक्सपोज किया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। उस वक्त तो अल्ताफ हुसैन का सूरज निस्व नहार पे था, पूरी तरीके से वो सिंध के पक्के हुक्मरान थे। गवर्नर उनका था, नेशनल असम्बली में रिप्रेजेंटेशन उनकी थी, प्रोविंशियल असम्बली उनकी रिप्रेजेंटेशन मेजर थी। इन तमाम गवर्नमेंट्स में वो बैठे हुए थे, हर तरफ उनका डंका बोल रहा था। उस वक्त कोई शख्स खड़ा होता है, और उससे पहले उसने सेनेट से अपने इस्तीफा दिया था, और सेनेटरशिप पूरी 6 साल की सेनेटरशिप बाकी थी, चंद महीने उसके गुजरे थे, 2013 में उसने इस्तीफा दे दिया। तो ये आप सोचें कि किस तरीके से उस स्ट्रगल की उसने वो आगे बढ़ा, और उसके बाद लोगों को तब्दीली दिए और एक पार्टी बनाई, लोगों को खड़ा किया, लोगों को रास्ता बताया। मुस्तफ़ा कमाल ने लोगों को रास्ता बताया। सर अभी तक तो तब्दीली सॉरी से नजर नहीं आई है, लेकिन आगे देखते हैं। देखिए ऐसा तो होता है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। देखिए किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस का ये हिस्सा है, इसके अंदर ऐसा ही होता है, हल्के हल्के स्लो एंड स्टडी वो चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, और मैं समझता हूँ इस वक्त हो रही हैं। ठीक है सर, अभी कराची की बर्बादी के जिम्मेदार कौन है? देखिए मैं आपको एक बार बताऊँ, कराची की बर्बादी के जिम्मेदार तो हम कराची वाले हैं। अच्छा, अगर आप मुझसे ईमानदारी की बात पूछें, हम कैसे हैं? हम वोट देते हैं, हम एतमाद करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, सिर्फ वोट देने से या वोट डाल कर फारिग हो जाने से काम नहीं होता। आप दुनिया की वो रियासतों को देखें जिन्होंने तरक्की की है, उसकी मिसाल आपके सामने है। मलेशिया की मिसाल आपके सामने है, सिंगापुर की मिसाल आपके सामने है। सर उन ममालिक से हम अपने आप को कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन करें, देखिए सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है, सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर उसका पानी भी नहीं है, और वो दुनिया के मुतवल मुमलिकतों में शुमार हो रहा है। मैं आपको बताऊं, हमें खुद को अपने किए के ऊपर सोचना चाहिए। हमारे 70 साल गुजर चुके हैं। अगर नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम कैसे लोगों को हमने इख्तदार दिया है, बार बार दिया है। उसके बाद देखें कि अगर हम प्रोविंशियल उसमें देखेंगे तो इस सेगमेंट में भी आप देख लीजिए, यहाँ पर भी हमने कैसे लोगों को इख्तदार दिया है। देखें अगर सही तरीके से हम लोगों को के इंतखाब में अगर हम काम करते तो आज ये सूरत हाल नहीं होती जो आज हुई, जिस तरीके से हमारी नेशनल असेंबली में हो रहा है, जिस तरीके से अभी चंद दिनों पहले प्रोविंशियल असेंबली में ही हुआ है। आप देखिए ये कोई तहजीब याफ्ता कौमों के का किरदार है। आप लेजिस्लेचर्स हैं, आप इस मुल्क को लीड कर रहे हैं, आपको इन तमाम चीज़ों पे आपका एहतसाब होगा। इस दुनिया में नहीं होगा तो खुदा के पास तो जरूर होगा। बात आपकी ठीक है, लेकिन जहाँ तक आपकी बात रही हमारी कौम का है, तो बात यह है कि अगर हम वोट देते हैं तो हम चाहते हैं जो वोट है उसका सही इस्तेमाल किया जाए। सिंगापुर और आपने मलेशिया के का जो जिक्र किया, उस तरह से हमारी आवाम जो है उम्मीद करती है कि वो भी हमारे उसी तरह का जो है हमारा से तो उम्मीद लगा के वोट कास्ट करते हैं। आप मुंतखब ऐसे लोगों को क्यों कर रहे हैं? आप बताइए, आपको इंतखाब का अल्लाह ने हक दिया है, आप इसको खुल के समझ के देखें। अगर सही लोग नहीं हो तो उनको हटाएं ना। सही ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। आप बोलना चाह रहे थे और फिर आपकी बात रुक गई थी। सॉरी, हाँ आप बात करें, आप बात करें। हाँ देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, जैसे आपने बोला ना कि वोट देते हैं, वोट आपने कब से देना शुरू किया है? 2015-18 में शायद अच्छे तरीके से रिलैक्स होके अपनी मर्जी से वोट दिया है। उससे पहले तो वोट डाल दिए जाते थे। अच्छा, जो आपने बात की ना, जैसे हफीज़ भाई बात कर रहे थे कि कराची के ज़िम्मेदार हम हैं, कहीं इनकी बात सही भी है कि हमने अपना हक कभी मांगा ही नहीं खड़े होके, क्योंकि हम, लेकिन हफीज़ भाई इसमें ये भी है ना कि हम हमेशा से यरगमाल बने रहे, हम खड़े नहीं हो सकते थे, हम निकल नहीं यार सकते इतने तही दस्त थोड़ी थे। आप बताइए टारगेट कैसे? दहशत गर्दी बहुत उरूज पे थी कराची की। आज अल्हम्दुलिल्लाह क्यों आप ऐसे नारे बने? आपने इस मुमलिकत को बनाया सिर्फ इस बुनियाद पे था, कलमे की बुनियाद पर। लेकिन आप सोचें कराची को जो कलमे की बुनियाद पे बनाया, और फिर आप मतलब तासुब की बुनियाद पे वोट डालते रहे। मैंने तो कभी नहीं डाला भाई, हमने भी नहीं। अच्छा डालना ना डालना एक डिफरेंट, ना डाले वो अलग बात है। आप नहीं निकलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो डल जाता था आपका वोट, लेकिन आप जाके अपनी मर्जी से वोट नहीं डाल सकते थे। ये सिनेरियो था आपका। आप पॉलिटिकल फिगर थे, आप एक अच्छा वो रखते थे। नॉर्मल आदमी जनरल पब्लिक की बात करें तो वो बिल्कुल यरगमाल थी बेचारी। दूसरी चीज़ कि MQM जो एक जमात इस वक्त पाकिस्तान का लोगो लगा के बैठी हुई है, सबसे ज़्यादा बर्बादी का फैक्टर अगर जाए तो, और मतलब स्ट्रेट अवे मैं बोलता हूँ कि वो MQM के ऊपर है स्ट्रेट अवे। आपके पास 35 साल आपकी एक इजारादारी रही है किसी शहर के अंदर। पार्टी को क्यों बचा रहे हैं? बॉस मैं आ रहा हूं, पार्टी उससे ज्यादा जिम्मेदार है, मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम का मेयर आपका 5 साल अभी भी रहा पिछले टेन्योर में, सही है, उसने क्या काम किया, क्या चीजें की, आपने स्टेक किया हुआ था कराची को अपने हाथ में लेके, आपने उसमें क्या डिलीवर किया। आज भी आप असेंबली में क्या कराची के डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। ये तो मौके होते हैं, पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं कर सकते, उसकी मेजॉरिटी है। ये तो मौके होते हैं कि आप बात करें। दूसरी चीज पीपल्स पार्टी, मैं पीपल्स पार्टी को भी बोलूंगा, चाहे वो हमारे पीडीएम का हिस्सा है, मैं ये बात नहीं है कि मैं गलत बात करूं, मैं क्योंकि कराची का दर्द रखता हूं, कराची में पैदा हुआ हूं, कराची में रहता हूं, मैं दर्द रखता हूं उसका। पीपल्स पार्टी ने भी कभी कराची को डिलीवर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एमक्यूएम की वजह से। ये पॉलिटिकल रेसिज्म हो जाता है। आप पंजाब को देख लें, वजीर आला नून लीग, मेयर नून लीग, लोकल गवर्नमेंट सारी नून लीग की, डेवलपमेंट हुई। मैं गारंटीड कहता हूँ कि आपको पंजाब के मेयर, लाहौर के मेयर का नाम भी नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी आके कहने की। तो जब तक मैं आज आपके तवज्जुह से कराची की आवाम को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप कराची में डेवलपमेंट चाहते हैं तो आप चाहे एक किसी भी एक पार्टी को, नून लीग को छोड़ दें, किसी भी एक पार्टी को लोकल गवर्नमेंट और प्रोवेंशल गवर्नमेंट में वोट दें, मुंतखब कराएं, ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाएगी। वरना ये इसी तरीके से अगले 40 साल भी आप पिसते रहेंगे। पहले एमक्यूएम का था, एमएनएस और लोकल गवर्नमेंट और प्रोवेंशल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी, अब और ज़्यादा मिक्स हो गया है। एमएनएस, एमपीएस, पीटीआई, प्रोवेंशल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी, लोकल गवर्नमेंट एमक्यूएम, कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा। फायद साहब, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगी, जैसे आपको पता है बदियाती इंतखाबात होने वाले हैं, तो क्या आपकी पार्टी नून लीग पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी? देखिए अभी फ़िलहाल तो बल्दियाती इंतखाबात जब अनाउंस होंगे तो ये मैं आपको मौक़िफ़ नहीं दे सकता। ये हमारी पार्टी का फ़ैसला है, टॉप लीडरशिप का फ़ैसला है, और पीडीएम जो कि एक तहरीक अभी चल रही है जिसमें 11 जमातें हैं पाकिस्तान की, उस पीडीएम का हिस्सा। और आपके सामने सिचुएशन, अगर कोई फ़ैसला आएगा इन फ्यूचर, अगर पार्टी का ये फ़ैसला हुआ कि पीडीएम लड़ेगी इलेक्शन, तो हम तो 100% कबूल करेंगे, क्योंकि मैं अपनी पार्टी का कराची का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो हम उसको कबूल भी करेंगे। और अगर नहीं हुआ तो हम उनके अगेंस्ट भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन अभी तो आप लोग इत्तेहादी है ना? अभी इत्तेहादी है, मतलब ये टेम्परेरी था? देखिए टेम्परेरी नहीं था, ये गवर्नमेंट को एक हमेशा अलाइंस बनते हैं। और मैं आपको फिर वही बात बोलूँगा कि ये मेरी पार्टी टॉप हायरार्की का फैसला है कि वो जो भी फैसला करेंगे हम उसको मनोमन तस्लीम करेंगे। ये नहीं है कि अगर पीडीएम ने फैसला किया कि अलग अलग लड़ेंगे तो हम 100% अलग अलग लड़ेंगे। अगर साथ लड़ेंगे, ये तो जनरल प्रिंसिपल है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का, ठीक है, तुम वहाँ हम यहाँ, ये तो मैं आपको बता दूं ये जनरल प्रिंसिपल है और इसके अंदर कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है किसी को। सही। हम सबको क्या, हमें, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमें अंदाज़ा है कि ये बात तयशुदा अमर है। और तमाम, ये आज से नहीं, जब से जरदारी साहब की मुफाहमताना पॉलिटिक्स का दौर शुरू हुआ है बेनज़ीर साहबा के बाद, वो ये दौर यही है, तुम वहाँ हम यहाँ। चलिए ठीक है सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आए। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को भी आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। अपना फीडबैक देना ना भूला, क्योंकि आपके फीडबैक की बहुत मुंतज़र रहती हूँ मैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दें इजाज़त, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।